सो हे गाइस, नमस्कार, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आज हम जो कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उस कंट्री में ना सिर्फ आप बल्कि आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जा सकते हैं, मतलब आपका स्पाउस, आपके बच्चे भी वहाँ पर आपके साथ जा सकते हैं, आपका स्पाउस आपके साथ या कहीं और कंपनी में भी काम कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज जो कंट्री दे रही है वो है स्लोवेनिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल्स में जानेंगे स्लोवेनिया के बारे में, वहाँ का जॉब आप कैसे ले सकते हैं, वर्क वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है, कितने रुपये खर्चा हो सकता है, क्या पूरा प्रोसेस है, तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इन डिटेल्स में जानने की प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आज का ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेकर आता हूँ आपके लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि स्लोवेनिया कहाँ पर है। तो स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है और ये चार बड़ी कंट्री का बॉर्डर शेयर करती है, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगेरी, क्रोएशिया और इटली दोस्तों। और इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके मन में डाउट होगा कि स्लोवेनिया ही क्यों जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन स्लोवेनिया को इसलिए चूज़ करना चाहिए क्योंकि ये एक अमीर देश है। अमीर देश के होने के साथ साथ ये एक डेवलप्ड कंट्री है। अगर अमीर है तो डेवलप्ड होना जायज़ बात है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि यहाँ का सैलरी की बात करें तो यूरोपियन कंट्री का बहुत सारे कंट्री का कंपैरिजन में दोस्तों यहाँ का सैलरी बहुत हाई है। वीजा रेशियो की बात करें तो 99% वीजा रेशियो है दोस्तों। और तो और आपका जो वीज़ा है, जो वर्क वीज़ा, आपका 15 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके साथ साथ आपका फैमिली मेंबर भी जा करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी 2200 यूरो से लेकर के 4600 यूरो पर मंथ आप कमा सकते हैं, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका, क्या एजुकेशन है और आपका क्वालिटी क्या है। आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों स्लोवेनिया का वर्क वीज़ा, वीज़ा वैलिडिटी, कॉस्ट ऑफ वीज़ा, सैलरी, जॉब्स इन डिमांड, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होता है और वेबसाइट कौन कौन सा है जिसके माध्यम से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लोवेनिया जो है ये सेंट्रल यूरोप में स्थित है दोस्तों, ये शेंगेन में आता है। और वीज़ा की कॉस्ट की बात करें, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो स्पेंड करना होता है। कितना? 80 यूरो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 हज़ार रुपया ही स्पेंड करना होता है इंडियन रुपये में। TRC की बात करें यानी टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड, तो आप विद इन 102 यूरो में ले सकते हैं, ठीक है। 102 यूरो मतलब ये भी लेस देन 9000 रुपये के अंदर आप TRC भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो वीज़ा वैलिडिटी होता है दोस्तों वो 1 ईयर का होता है। वैसे आप यूरोप में कहीं भी चले जाइए, आपका वीज़ा का जो फर्स्ट वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर का होता है, उसके बाद आपको हर साल रिन्यू करना होता है। और आप अगर PR के बारे में सोच रहे हैं स्लोवेनिया में, तो जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं PR अप्लाई करने के लिए। सैलरी शुरुआत की दौर पे 1200 से 2200 मिलता है दोस्तों, शुरुआत में अगर बात करें, लेकिन जैसे ही एक बार आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, मेरा कहना मतलब है 2 साल अगर आप क्रॉस कर लेते हैं वहाँ पर रह करके, तो आपका सैलरी लगभग 2200 से 4600 यूरो तक हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहतर जगह है काम करने के लिए, इनकम करने के लिए, साथ ही साथ अपना लाइफ को, अपना करियर को सिक्योर करने के लिए। हमने बात कर लिया चार्जेस के बारे में, सैलरी के बारे में, जॉब्स के बारे में, लेकिन अब तक हमको जानना जरूरी है कि भाई वहाँ पर कौन कौन सा जॉब्स का ज़्यादा डिमांड रहता है और कौन सा जॉब में ज़्यादा सैलरी मिलता है। जैसे ही आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 10th पास हैं 8th पास हैं 9th पास हैं, आप सोचेंगे कि यार काश मैं वहाँ चला जाता, मुझे भी इतना सैलरी मिल जाता, मैं भी वहाँ पर 2 लाख 3 लाख महीना कमा सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन एलिजिबल है स्लोवेनिया जा करके लाखों रुपया कमाने के लिए। तो उसके लिए आपको जानना होगा कि वहाँ पर कौन कौन सा जॉब्स का ज़्यादा डिमांड है,
जिस जॉब में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी लाखों रुपए इनकम मंथली कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जानते हैं कि कौन कौन सा जॉब का ज्यादा डिमांड रहता है। तो है मेडिकल, मेडिकल यानी अगर आप MBBS किए हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड और सैलरी मिलता है दोस्तों। आपका जो प्रोफेशन है वो स्लोवेनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है और वो सैलरी भी अच्छा खासा आपको ऑफर करते हैं। चाहे आप पैरामेडिकल में हैं तो पैरामेडिकल का भी आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल जाता है। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री, चाहे आप मेडिकल शॉप की बात करें, चाहे आप रिसर्च की बात करें, ठीक है, इसमें भी आपका अच्छा खासा इनकम हो जाता है। जो सेकेंड इंडस्ट्री आता है वो है होटल्स एंड टूरिज्म। अगर आप हॉस्पिटलिटी टूरिज्म में काम करते हैं, चाहे आप फ्रंट ऑफिस में हो, हाउसकीपिंग में हो, सर्विस में हो, फूड प्रोडक्शन में हो, आपका बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उसका सैलरी थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू मेडिकल प्रोफेशनल्स। जो थर्ड सबसे ज़्यादा डिमांडेबल इंडस्ट्री है वह दोस्तों कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में अगर आप प्लम्बर हैं, चाहे आप मेसन हैं, टाइल्स मेसन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, इस तरह का जॉब्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। वेल्डर्स का आपको काफ़ी डिमांड देखने को मिलेगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, सिविल में बहुत ज़्यादा जॉब्स का डिमांड है दोस्तों, और इसमें भी अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाता है। यहाँ पर जाने के लिए आप डायरेक्टली वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट में जा करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी भी एजेंसी के थ्रू भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बात करें विजिट टू वर्क परमिट, क्या यहाँ पर संभव है? बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मुझे विजिट टू वर्क ऐसे कंट्री बता दीजिए जहाँ पर मैं जाकर काम कर सकूँ। तो बता दूँ, स्लोवेनिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप पहले विजिट वीज़ा में जाकर के भी उस वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं वर्क परमिट में। ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी से आपका जो विजिट वीज़ा है उसे आप वर्क परमिट में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा सजेशन विजिट वीज़ा के लिए नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा सजेशन ये दूंगा कि भाई अगर आप वहाँ पर काम करना जाना चाहते हैं तो आपको वर्क परमिट में ही जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पर जाके कोई प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। पहले आप जब अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करें, कहीं ना कहीं अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2-3 साल ट्राई कर चुके हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी एजेंसी के थ्रू जाएं, ताकि आपका जो सपना है वो भी पूरा हो जाए और आपका इनकम भी चालू हो जाए। हालांकि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो आपको एक मोटा रकम देके जाना होता है, क्योंकि इसमें एक एजेंसी से काम नहीं होता है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो लॉयर हो जो कि इमिग्रेशन लॉयर होता है, ठीक है, चाहे आपका वीज़ा का कॉस्ट हो, वर्क परमिट का कॉस्ट हो, VFS का कॉस्ट हो, इंश्योरेंस का कॉस्ट हो, जो एजेंसीज आपको लोकली हायर करती है या हेल्प करती है उनका कॉस्ट हो, बीच में और 2-3 एजेंसीज होते हैं, ठीक है, उनका कॉस्ट हो, तो इस वजह से जो चार्जेस है वो थोड़ा हाई हो जाता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपका ज़िंदगी बन जाता है दोस्तों, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट करना तो आप बिजनेस कर सकते हैं और ना ही आप विदेश जा सकते हैं। ये सोचना है कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी जाके आप अपना जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने या जानने को मिला है। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।